हेलो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ आपके पास फिर एक नई वीडियो लेके। आज आपको एक नई वीडियो साइंटिस्ट से रिलेटेड बताई जाएगी। प्राकृतिक आपदा, बाढ़ है जैसे, या फिर भूकंप है, ऐसी समस्याओं में सबसे पहले आपका घर ही आपसे छीन जाता है, जिसके बाद आपको रहने की काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन एक नया घर बनाने में कितना समय लगता है, देखिए वैज्ञानिकों ने इसका क्या हल निकाला इस खास रिपोर्ट में। युद्ध, हिंसा और शोषण के कारण दुनिया भर में 5 करोड़ लोग बेघर हैं। कई लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के चलते अपना घर छोड़ना पड़ता है। ऐसे में वे कैंप में जीने को मजबूर होते हैं। कई कई लोगों को एक ही टेंट में गुजारा करना होता है। जर्मनी की डार्मस्टाट यूनिवर्सिटी के आरियल आउसलैंडर के दिमाग में इसी तरह की तस्वीरें थीं, जब उन्होंने 2 साल पहले एक ऐसा घर बनाने की ठानी जिसे जब चाहे मोड़कर अलग रखा जा सकता है। इस काम में सहकर्मी और छात्रों ने उनका साथ दिया। उन्होंने कागज का घरौंदा तैयार किया, एक ऐसा घर जिसे खड़ा करने के लिए किसी उपकरण की जरूरत नहीं। हम इसके जरिए मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को स्थिरता और शांति का भाव देना चाहते हैं। हमें लगता है कि इस तरह की स्थिति में ये बहुत जरूरी होता है। हम परिवार को फिर से एक साथ लाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम 2 घर जोड़ दें तो एक बड़ा परिवार मिलकर वहाँ रह सकता है, तो बहुत आसानी से हम लोगों को उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के करीब ला सकते हैं, उन्हें वो दे सकते हैं जो उन्होंने खो दिया है। घर को खड़ा करना बच्चों के खेल जैसा है। 4 लोग मिलकर गत्ते की दीवारों को खींचते हैं। ये करीब 6 मीटर ऊंची है। किसी ग्रीटिंग कार्ड की तरह घर खुलकर खड़ा हो जाता है। अंदर की ओर बनी दीवारें घर को स्थिरता देती हैं। इन दीवारों में से ही कई रैक भी निकल आते हैं। निवासियों के लिए पहले फर्नीचर, दरवाजे और खिड़कियों को पकड़कर बंद किया जा सकता है। रिसर्च टीम ने बाकी के फर्नीचरों के बारे में भी सोच रखा है। जाहिर है वो भी गत्ते का ही बना होगा। घर में 2 बेंच और 1 बिस्तर लगाने की योजना है। घर को मोड़ना टीम की सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके लिए उन्होंने एक ओरिगामी विशेषज्ञ की मदद ली। ओरिगामी कागज से विभिन्न प्रकार की चीजें बनाने की कला है। अब वे 6 घरों को मोड़कर 1 कंटेनर में रख सकते हैं। सही तरह की पैकिंग के साथ साथ घर का स्थिर रहना अहम है। ये बेहद जरूरी है कि गत्ते का ये घर टेढ़ा मेढ़ा ना हो और कहीं से टूटे भी नहीं। इसे सुनिश्चित करने के लिए तरह तरह के कागजों के साथ कई टेस्ट किए गए। गत्ते की बनी हर दीवार भले ही केवल 3 सेंटीमीटर मोटी है, लेकिन ये प्रति मीटर 700 किलो का भार संभाल सकती है। कुल मिलाकर हम वजन कम रखना चाहते हैं और इसलिए हम लहरदार गत्ते का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के गत्ते में ऊपर और नीचे मोटे कागज का इस्तेमाल होता है और बीच में लहरें होती हैं जो बाहरी परतों को एक दूसरे से अलग करने का काम करती हैं। इससे हमें काफी मजबूती मिलती है। लेकिन गत्ता पानी सोखता है। रिसर्च टीम के लिए ये एक बड़ी समस्या थी। गत्ते में ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं जिन पर अगर काम ना किया जाए तो वे पानी को अपने अंदर खींच लेते हैं। लेकिन इसे डेवलप करने वालों ने गत्ते के घर को बारिश से बचाने का भी समाधान निकाला है। हमने इसके ऊपर बायोसिंथेटिक की एक परत लगाई है और अगर हम इस पर पानी डालें तो देख सकते हैं कि कैसे ये सतह से ही अलग हो जाता है, जबकि ये परत कुछ 1000 मिलीमीटर की ही है। आप इस तरह से कई घंटे पानी चलता रहने दे सकते हैं, गत्ता गीला नहीं होता। गत्ते के ये चौकोर घर स्थिर भी हैं और खराब मौसम में भी आश्रय देते हैं। इन घरों में रहने वाले काफी हद तक साधारण जीवन व्यतीत कर सकते हैं और निजता की जरूरत महसूस हो तो बस दरवाजा बंद कर लें। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और DW TV को भी
सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, वहाँ पे और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।